नमस्कार दोस्तों, ये उत्तराखंड की परीक्षावाणी का जो ऐतिहासिक वाला संक्षिप्तिकी का कर रहे थे, तो इसमें चंद्रवंश कहते हैं। कुमायूं क्षेत्रपाल कत्यूरी के बाद किसके नेतृत्व में 1025 में आसपास चंद्रवंश चंद्र राजवंश की सत्ता स्थापित हुई थी? सोमचंद के। चंद्रवंश के किस शासक ने रेशम व रेशम वस्त्र का उत्पादन शुरू कराया था? तो चौथे शासक इंद्रचंद्र ने। दसवीं शताब्दी के अंतिम चरण में 1562 ईस्वी तक चंदों की राजधानी क्या रही? तो चंपावत रही। अंतिम चरण में चंपावत रही। 1563 ईस्वी में चंद्रवंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बनाई? तो बलदेव या बालो कल्याण चंद्र ने बनाई थी अल्मोड़ा। कुछ समय तक चंद्र राजाओं की राजधानी पाली पचाऊ में भी रही, जो कि स्थित है अल्मोड़ा में। तो पहले क्या है, 1562 तक चंपावत में, फिर उसके बाद अल्मोड़ा भी बनाई है बलदेव ने, फिर उसके बाद चंद्रराव की राजधानी पाली पछाऊ में भी अल्मोड़ा में। नेपाल के अशोक चल नामक शासक ने आक्रमण कर कुमायूं को अपने अधीन किया था 1191 में। दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह के दरबार में सर्वप्रथम किसने भेंट चढ़ाया और गरुड़ उपाधि प्राप्त की? तो ज्ञानचंद्र ने। मझेड़ा ताम्रपत्र में किसे श्री राजा विजय ब्रह्म कहा गया है? तो ज्ञानचंद्र को श्री राजा विजय ब्रह्म कहा है। नेपाली चल नामांत शासकों पर आक्रमण व परास्त कर उनकी अधीनता से कुमाऊं को मुक्त कराया भारती चंद्र ने। कुमाऊं के इतिहास में किसके पवाड़े प्रसिद्ध हैं? तो भारती चंद्र के। किस चंद्र राजा को कुमायूं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है? तो देवी चंद्र को। अकबर का समकालीन चंद्र राजा था रुद्रचंद। कुमायूं 1565 से 1597 ईस्वी तक रहा रुद्रचंद। कुमायूं में नए तरह से सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने हेतु धर्म निर्णय पुस्तक किसने लिखवाया? तो रुद्रचंद्र ने। अल्मोड़ा शहर के मध्य में स्थित मल्ला महल किले का निर्माण किस चंद्र शासक ने कराया था? तो रुद्रचंद ने कराया था मल्ला महल का। वर्तमान रुद्र नगर किस चंद्र शासक ने बसाया था? तो रुद्रचंद ने बसाया था। वह वीरांगना जिसने गढ़वाली शासकों के साथ मिलकर कई स्थानों पर बाज बहादुर चंद को की सेना को हराया। तो नीरू रौतेली चंद शासक जिसने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 1673 में गूट भूमि दान दी थी? तो बाज बहादुर चंद ने दी थी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए। चंद राजाओं का राजचिन्ह क्या था? तो गाय थी। चंदों और मुगलों में संबंध होने की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो सायनामा और जहांगीर नामा से। कुमाऊं में चंद्र शासक का अंत कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1790 ईस्वी में नेपाली गोरखाओं द्वारा। चंद्रवंश का अंतिम शासक था महेंद्र चंद। चंद राजाओं के समय सिक्का टक्साल व ताम्र उद्योग का केंद्र था अल्मोड़ा। सिक्का टक्साल व ताम्र उद्योग था। कुमाऊं क्षेत्र में ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई चंद्र राजाओं द्वारा। ठीक है, क्या क्या? ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण। चंद काल में भू राजस्व की दर क्या थी? उपज का 6वां भाग। ठीक है, चंद काल में राजाओं की पालकी ढोने का कार्य करते थे कौन? कार्य करते थे कैनी। अल्मोड़ा के पलटन बाजार स्थित लाल मंडी किले फोर्ट मोयरा का निर्माण कराया था कल्याण चंद्र ने। अल्मोड़ा जिले में स्थित खगमरा किले का निर्माण कराया था राजा भीष्म चंद ने खगमरा का। और मल्ला महल का किसने कराया था? मल्ला महल का रुद्रचंद ने। अब बाड़ासुर किला स्थित है चंपावत के लोहाघाट देवीधुरा मार्ग पर। परमारवंश आ गया। परमारवंश में क्या है? चांदपुर चौंडा तोप अजमीर बढ़ाड़ लोहावा दशौली कुंडारा धोना रतन नागपुर कोली रबाड़ फलियाड़ बांगर कुइली सिल कुजड़ी भरपूर नाला उप्पू मौल्या रेखा मुंगरा सांकरी रामा ब्रिटा श्री गुरु एरासु इंडिका क्या ये लंगूर बाग गढ़कोट। अच्छा, ये गढ़वाल के बावन गढ़ हैं। ठीक है, देवल जोट गुजडू संगेला जौलपुर चंपा डोडरावारा भवना लोदन लोद
बदलपुर, सावली, कांडा, नयाल, ठीक है, चांदपुर निगढ़ में 688 ईस्वी में गढ़ी राजा सोनपाल के दामाद कनकपाल ने परमार वंश की नींव रखी, जो कि था क्या गुर्जर देश का। गढ़वाल में परमार वंश का शासन 688 से 1949 ईस्वी तक रहा। तो कुल कितने शासक रहे इसमें? 60 शासक रहे। पहला कौन था? कनकपाल। और लास्ट कौन था? तो मानवेंद्र साहिब, ठीक है। गढ़वाल क्षेत्र के सभी गणपतियों को पराजित कर एक सुसंगठित राज्य की स्थापना की 37 में परमार शासक अजयपाल ने। परमार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से हटाकर 1358 में श्रीनगर स्थापित की? तो अजयपाल ने। मानोदय काव्य में अजयपाल की तुलना किससे की गई? तो कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, कुबेर और इंद्र से। कृष्ण से, युधिष्ठिर से, भीम से, कुबेर से, इंद्र से। मतलब पांडवों में युधिष्ठिर भीम हो जाएंगे और कुबेर और इंद्र हो जाएंगे और कृष्ण। अजयपाल किस पंथ के अनुयायी थे? गोरखनाथ पंथ के। परमार नरेश अजयपाल ने कहाँ राजप्रसाद का निर्माण कराया और कुलदेवी राजराजेश्वरी की प्रतिष्ठा की? तो देवलगढ़ में। सम्राट अकबर के समकालीन परमार शासक कौन थे? तो सहजपाल थे। और चंद्रवंश का कौन था? रुद्र देव, ठीक है। सर्वप्रथम किस परमार शासक से नामांक से शाह उपाधि की परंपरा शुरू हुई? तो ये बलभद्र शाह से। 43 में परमार शासक थे, ठीक है। बलभद्र शाह से पूर्व केवल एक परमार शासक ने नामांत में पाल की बजाय शाह उपाधि लगाई है, वो है 38 में शासक कल्याण शाह। किस मुगल शासक के सैनिकों पर का गढ़वाल पर आक्रमण के दौरान गढ़वाल राज्य की संरक्षा पृथ्वीपति शाह की माँ महारानी कर्णावती ने उन्हें पकड़वा कर उनके नाक कान कटवा दिए? शाहजहाँ के। महारानी कर्णावती को जाना जाता है नाक काटने वाली रानी के नाम से। देहरादून की राजपुर नहर का निर्माण कराया था? तो रानी कर्णा देवी ने। किस परमार शासक ने मुगल दारा सिकोई के पुत्र सुलेमान सिकोई को संरक्षण दिया पृथ्वीपति शाह ने? किस परमार शासक की उपाधि गर्भभंजक थी? तो महीपत शाह की थी गर्भभंजक। किस परमार शासक के दरबार में अकबर के दरबार की तरह नवरत्न विराजते थे? फतेह शाह के। गढ़वाल के परमार शासकों की राजधानियाँ थी चांदपुरगढ़, भिलंग घाटी, देवलगढ़ और श्रीनगर। गढ़वाल पर गोरखों का प्रथम आक्रमण 1791 में हुआ और उसे इस आक्रमण में वे पराजित हुए। गोरखों को गढ़वाल पर 1803 में राजा प्रद्युम्न शाह के शासनकाल में किसके नेतृत्व में विजय मिली? तो अमर सिंह थापा और हस्तीदल चतुरिया के नेतृत्व में। गोरखाओं और गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह के बीच देहरादून के खुड़बड़ा मैदान में अंतिम युद्ध कब लड़ा गया जिसमें राजा प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हुए? तो 14 मई 1804 को। कुमाऊं गढ़वाल पर गोरखों का अत्याचार पूर्ण शासक क्रमशः रहा? तो अत्याचार पूर्ण जो शासक था उसको गढ़वाली क्या बोलते? गोरख्याली बोलते थे। और ये 25 वर्ष तक कुमाऊं पे इन्होंने किया और 10 साल और 5 महीने तक कहाँ पे? गढ़वाल पे। गोरखों का शासन नागरिक की बजाय फौजी था। दास्ता वेगार व अन्यायपूर्ण कर प्रणाली इनके शोषण के आधार नेपाल राजा रणबहादुर शाह के प्रतिनिधि के रूप में गढ़वाल व कुमाऊं पर शासन करता था सूबेदार या सुब्बा। गोरखा शासन के दौरान पगड़ी था, क्या था? पुंगाड़ी एक भूमिकर था। गोरखा शासन काल में ब्राह्मणों पर लगने वाला कर कौन सा था? कुशही। किस गढ़वाल नरेश की मांग पर गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अंग्रेजी सेना भेजकर गोरखों को गढ़वाल में पराजित कराया? सुदर्शन शाह। गढ़वाल को मुक्त कराने के बाद अंग्रेजों ने मई 1815 तक कुमाऊं को भी गोरखों से जीत लिया। और 2 दिसंबर 1815 को अंग्रेजों और गोरखों के बीच कौन सी संधि हुई जिसके तहत गोरखों ने कुमाऊं गढ़वाल को अंग्रेजों को सौंप दिया? संगोली की संधि। और ये बिहार में चंपारण में हुई थी, ठीक है। वह कौन सरकार थी जो संगोली संधि को स्वीकार न करने के कारण 1816 में अंग्रेजों के आक्रमण का शिकार बनी और हारने के बाद 4 मार्च 1816 को संधि को स्वीकार कर लिया? नेपाल सरकार। गोरखों को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह से गढ़वाल का कितना भाग धूर्तपूर्ण तरीके से हड़प लिया? पूर्वी आधा भाग।
गढ़वाल नरेश सुदर्शन साय ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर दिसंबर 1815 में स्थापित की टेहरी में। टेहरी रियासत को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने के लिए अंग्रेजों व सुदर्शन साय के बाद संधि हुई 4 मार्च 1820 को। टेहरी में पुराना दरबार नामक राजा प्रसाद का निर्माण कराया सुदर्शन साय ने। कुमाऊं के कमिश्नर को टेहरी रियासत में अंग्रेजों का राजनीतिक प्रतिनिधि बनाया गया दिसंबर 1842 में। ठीक है, इसके बाद क्या, सुदर्शन साय द्वारा रचित ग्रंथ सभासार के कितने भाग हैं? 7 भाग। सुदर्शन साय की मृत्यु पर उनके बड़े पुत्र भवानी साय ने राज्य किया 1859 से 1871 तक। भवानी साय के बाद प्रताप साय गढ़वाल नरेश बने, जिन्होंने टेहरी में शुरू कराई अंग्रेजी शिक्षा। किसने? प्रताप साय ने। प्रताप साय के बड़े पुत्र कीर्ति साय ने शुरुआत के 11 वर्षों तक राज किया माँ गुलेरिया के संरक्षण में। कीर्ति साय को अंग्रेजों ने 1898 में कंपेनियन ऑफ इंडिया व 1901 में नाइट कमांडर उपाधि दी। कीर्ति साय ने टेहरी में नया दरबार नामक एक राजा प्रसाद का निर्माण करा है। टेहरी में 1881 में कराया। टेहरी में हीवेट संस्कृत पाठशाला, गांवों में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना, टेहरी नगर में बिजली व्यवस्था, टेहरी में नगर पालिका की स्थापना, टेहरी में कृषि बैंक की स्थापना, टेहरी में प्रेस की स्थापना, हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार, टेहरी में वैशाला की स्थापना, ये सब कार्य कीर्ति साय ने किए थे। कीर्ति साय की मृत्यु के बाद 1913 में टेहरी रियासत के राजा बने नरेंद्र साय। इन्होंने क्या बनाया? टेहरी से नरेंद्र नगर स्थानांतरित किया मुख्यालय को 1925 में। नरेंद्र नगर को मैदान से जोड़ने के लिए कई सड़कों का निर्माण, अनेक विद्यालयों की स्थापना, अस्पतालों का आधुनिकीकरण, वन विभाग का आधुनिकीकरण आदि कार्य किया नरेंद्र साय ने। अंग्रेजों द्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल सर KCSY आदि उपाधियाँ दी गई नरेंद्र साय को। रवाई कांड 30 मई 1930 को हुआ है। रवाई कांड श्रीदेव सुमन बलिदान दिया था इन्होंने 25 जुलाई 1944। तो ये घटनाएं हुई थी नरेंद्र साय के समय, रवाई कांड और श्रीदेव सुमन का बलिदान। नरेंद्र साय के बाद 25 अक्टूबर 1946 को टेहरी रियासत के राजा बने मानवेंद्र साय। फरवरी 1948 में गठित अंतरिम सरकार में प्रजामंडल के 4 सदस्यों का मनोनयन व 1 अगस्त 1949 को टेहरी रियासत का भारत में विलय की घटना हुई मानवेंद्र साय के समय। अब ब्रिटिश गढ़वाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।